फैमिली की तरफ से जो है ना वो तो अच्छा रिस्पॉन्स था, लोगों की तरफ से बैड कमेंट आते थे, मतलब कि हमारे चलने में नुक्स निकालने, अगर क्लास में हम दाखिल हुए हैं तो वहाँ पे सब हंसने लग गए हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं तो उस पर हमें बोलने पे टोका जा रहा है। कितनी बार प्यार हुआ, कहते ना इंसान को हर बार प्यार होता है, वो कहता है मैंने दूजी बारी प्यार होया सजना तेरे नाल, तो क्या सीन है? हाँ, 3 दफ़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर माशाल्लाह। जब मैं फंक्शन पर मैंने जाना होता तो एक इतनी सारी लिस्ट है वो तैयार होती है, उसके ऊपर सारी मेरी शरायत लिखी जाती हैं। परमिशन लेनी होगी, परमिशन जस्ट ये नहीं कि फंक्शन करवाना है, परमिशन ये कि महक आ रही है हमारे फंक्शन पर, महक आ रही है क्योंकि जी। ऐसे होता है कि जब हम मैं फंक्शन पर जाती हूँ वो कहते हैं हमने परमिशन ले ली है जी, तो वो कहते हैं पुलिस वाले कह देते हैं आपने फंक्शन की परमिशन ली है, महक की परमिशन नहीं ली। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब, और आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख रहे हैं, एक बड़ी कहते हैं ना बिग स्माइल वो है मेरे चेहरे पे, क्योंकि आज मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ, और इंटरव्यू तो मैं पहले भी करती हूँ लेकिन आज जो मैं इंटरव्यू करूँगी वो बहुत ही एक ख़ास बंदे के, जो कि आपके दिलों के बहुत करीब है, मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मेरे ख्याल से तारीफ़ें तो हम इंटरव्यू के अंदर भी करेंगे क्योंकि हमने उनको इंस्पायर भी करना है और थोड़ा सा उनसे मस्तियाँ भी करनी है। तो मैं बात कर रही हूँ महक मलिक की, तो चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलामुअलैकुम महक, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि इन्होंने पहले मुझे काफ़ी महीनों इंतज़ार करवाया और अब इन्होंने आते वक्त मुझे इतना इंतज़ार करवाया कि मैं रोने वाली हो गई थी कि भाई ये आ रही है कि मुझे बस कह रही है कि मैं आ रही हूँ। तो कैसा रहा सफ़र आपका? जी अच्छा रहा, वो तो आपको पता है मैं क्यों लेट हुई हूँ। अब मुझे पता, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आई हैं, क्योंकि जी नहीं कोई काम था मेरे लाहौर और मैंने आना था तो वो फिर डिले हो गया, लेकिन मैंने इनके साथ बात की हुई थी, सो मैं वादे की जो है ना पक्की हूँ, तो मैं आ गई। फिर मैंने कहा नहीं अच्छा, जाना जैसा था। हमें वीडियोस में नज़र आता है कि ये वादे की बड़ी पुख्ता है, और कोई भी ऐसा कोई सोशल हाँ इशू आता है तो हम जी उस पर जी बात करती हैं, और बड़े कहते हैं ना हड़ल्ले के साथ बात करती हैं कि हाँ होके भाई ये बात होके रहेगी, रहेगी और वो आपसे मिलके भी हमें लग रहा है कि आपने वाकई वो बात पूरी की। जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि टिकटॉक का सफ़र तो हम बाद में पूछते हैं, क्योंकि माशाल्लाह अब तो आप टिकटॉक क्वीन हैं, और थैंक मेरे ख्याल से क्वीन कहना भी कम है, आप वाकई क्वीन हैं, आप वाकई काफ़ी लोगों के दिलों की क्वीन हैं। टिकटॉक से पहले जो आपका सफ़र था, जी तो आपके काफ़ी लोगों ने बहुत से पहलू देखे हैं, जी जिसमें आपका दीनी पहलू देखा है, जिसमें जी आपका टिकटॉक पहलू देखा है, जिसमें आपकी ड्रेसिंग, आपका वार्डरोब, आपका आई मेकअप, अल्लाह पाक ने जो आपको नवाजा है जिस चीज़ जी से, जी उसका एक पहलू देखा है, और जिसमें आपका आपका परफॉर्मेंस देखी है कि आप फंक्शंस करती हैं, हाँ हाँ तो आप किस पहलू को ज़्यादा प्रेफर करती हो कि मेरी ज़िंदगी में ये पहलू मेरे लिए सबसे अहम है? मेरी लाइफ में मैं कहती हूँ कि जो दीन का है ना वो सबसे, वो माशाल्लाह एक तो अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमें एक मुसलमान घराने में पैदा किया है, ये बेशक हमारे लिए बेशक छोटी बात नहीं है। वैसे लग रहा होगा लेकिन छोटी बात नहीं, कभी हमने ये रियलाइज़ नहीं हमें हुआ, और जब इंसान को रियलाइज़ हो जाए कोई चीज़ तो फिर उसकी अहमियत पता चलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले लोगों ने हमें जैसा चाहा हम वैसे बन गए, फिर जब समझ आई, दीन की समझ आई कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं और अल्लाह का पता चला, तो फिर जो है ना हमने कहा कि नहीं आला जैसा फिर तुझे अल्लाह ने पसंद है अपनी ना, तरफ बुलाया, और हम हाँ बंदे अल्लाह के बंदे हैं हाँ और अब जैसा हम अल्लाह आपको की पसंद तरफ है चल वैसा पड़े। बना दो। अच्छा महक, आपने ये सारी बात कर ली, मुझे ये बताएं कि जब आप फंक्शंस नहीं करती थी उससे हाँ पहले फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था, लाइक क्या करती थी आप, पढ़ती थी, आपको कब पता चला कि आप मतलब ख्वाजा सरा हैं? क्योंकि अगर आपको फर्स्ट टाइम कोई देखे, क्योंकि लिटरली मैं इस इंटरव्यू से पहले बात कर रही थी कि मैंने जब आपको पहली दफ़ा देखा तो मैं खुदा कसम मैं कह सकती हूँ कि मुझे नहीं पता कि आप ख्वाजा सरा हैं, मुझे था कि माशाल्लाह माशाल्लाह क्या क्यूटनेस है, क्योंकि आपकी मुझे वीडियो जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो दुपट्टे वाली है, हिजाब दुपट्टा क्या हुआ? ऊपर नहीं अच्छा नहीं वो दुपट्टा ऊपर फेंक के वो हाँ नीचे आ रहा है, और वो एक स्लोमो है, वो बहुत ही हाँ खूबसूरत है, क्योंकि वो हिजाब वाली जो है वो तो अगले पहलू आते हाँ रहे ना, हाँ वो हाँ मैं आहिस्ता आगे आहिस्ता अपडेटिंग देखती रही, पर सही। पहली जो मैंने आपकी वीडियो देखी वो थी। तो किस तरह आपको पता चला कि आप एक ख्वाजा सरा हैं, लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स मिला है या फैमिली ने आपको बताया? नहीं, फैमिली की तरफ से जो है ना वो तो अच्छा रिस्पॉन्स था, लोगों की तरफ से बैड कमेंट आते थे, मतलब कि हमारे चलने में नुक्स निकालने, अगर क्लास में हम दाखिल हुए हैं तो वहाँ पे सब हंसने लग गए हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं तो उस पर हमें बोलने पे टोका जा रहा है कि आप बोल कैसे रहे हैं, ऐसी चीज़ें उन्होंने हमें जो है इंट्रोडक्शन करवाई। पहले हमें नहीं पता था कि हमारे बोलने चलने में बैठने उठने में कोई फ़र्क है, हम समझते कि जैसे एक सिंपल पर्सन है हम वैसे ही हैं,
फिर ऐसे ये करते करते फिर हमारी फील्ड के लोग हमें मिल गए, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और वो मुझे कह रहे कि चलो हमारे साथ बाज़ार चलो। तो मैंने कहा मुझे शर्म आती, कह रही नहीं कोई बात नहीं आप चलो। मीन्स के घर में ऐसे होता है कि ईद आती है, सब भाई बहन सब इकट्ठे जाते हैं शॉपिंग करने जाते हैं, तो फिर फैमिली वाले की तरफ से थोड़ा सा ये था कि नहीं साथ नहीं लेके जाना, भाइयों ने कहना कि हमें शर्म आती है। तो उस पर जो है ना, फिर जो हमारी ट्रांसजेंडर हमें मिली तो उन्होंने कहा कि चले बाज़ार। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आएगी मुझे साथ लेकर चलने में? तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मैंने कहा मैं फिर काफ़ी सारी मैंने बातें की उधर देखने के लिए ना, तो मैंने कहा इन्होंने मेरे बोलने में भी कोई नुक्स नहीं निकाला, इन्होंने मेरे चलने में नहीं चलने निकाला, में भी कोई नुक्स नहीं निकाला, में नहीं निकाला। तो फिर मैंने मुझे लगा कि नहीं ये मेरे अपने हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब इंसान कहता है कि शायद हमारे अपने अपने नहीं है, हाँ हाँ आप मेरे अपने हैं अपने, तो आपको उस टाइम, तो उस टाइम जब आपको ये पता चला या आपको ये फील हुआ कि ये आपके अपने हैं, तो उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? 14 ईयर होगी। और कितनी देर होगी आपको इसमें आए हुए, इस मतलब शोबे में आए हुए, पैर रखे हुए? मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। हाँ। और शोहरत सबसे ज्यादा कब मिली? 2016। अच्छा, 2016 में। वैसे कहते हैं कि उम्र नहीं पूछनी चाहिए, और मेरे लिए तो सब लोग बराबर हैं, क्योंकि जब इन्होंने मेरे साथ फर्स्ट टाइम बात की तो मैंने इनको जिस तरह उन्होंने मुझे सिस्टर कहा, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार आजकल शायद हम लोगों को इतनी तहजीब और तमीज नहीं है कि हम किस तरह बात करें किसी से। उम्र कितनी है महक? काफी लोग इस बारे में ना कहते हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि यार कुड़ी बड़ी सोनी है, उम्र कितनी है, उम्र कितनी आपकी? वैसे ना लड़कियों से एज नहीं पूछते। 20-25 के दरमियान में। अच्छा, 20-25, यार इतनी बड़ी कोई उम्र नहीं है, क्या हो गया है? मैं 23 साल की हो जाए ना, पर नीचे कमेंट आ जाए 25 की लगती हो, 50 की लगती हो, लाख की लगती हो, 100 की लगती हो, 1000 की लगती हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं की तरफ वापस आती हूँ। मुझे ये बताओ कि फंक्शन आप करती हो, हाँ। और उस पर आपकी ड्रेसिंग आई थिंक सो, डांस तो कमाल है, क्योंकि हाँ। डांस है तो लोग आपको देख रहे हैं, और है। मुझे लगता है कि शायद उस तरफ के लोग ज्यादा ऐसे गाने और परफॉर्मेंस, मुझे जहाँ तक लगता कोई है वर्ड में। तो आप डांस और आपकी ड्रेसिंग, क्योंकि आप अगर डांस कर रहे हो आप नॉर्मल कपड़े भी पहन के कर सकते हो, लेकिन आपकी ड्रेसिंग वार्डरोब कहाँ से आप कलेक्ट करती हैं? वो मैं ड्रेसिंग जो है ना वो खुद चॉइस करती हूँ, तो बनाते मेरे डिज़ाइनर हैं। मीन्स के एक शलवार कमीज़ है, एक लहंगा चोली है, एक फ्रॉक वाले हैं, एक मैक्सी वाले हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ना सारे डिज़ाइनर हैं, कोई मुल्तान में है, कोई लाहौर है, कोई इस्लामाबाद पिंडी में है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है। मेरे पता सारे है डिजाइनर के मैक्सी ये अच्छा बनाता है ना? अच्छा, तो वो उसी को मतलब डिजाइन आप देते हो? हाँ, हाँ। कलर कॉम्बिनेशन आपका? मेरी अपनी होती है, ए टू जी आपका? हाँ, सब कुछ। पीछे रह गए ऐसी यार, टाइम मेरे पास होता तो शायद वो भी बना लेती। क्या बात है। अच्छा, मेकअप, क्योंकि मैंने काफी वीडियोस देखी हैं, उसमें आप मेकअप ही कह रही होती हैं कि ये देखे मैंने आज अपना मेकअप किया गाइस कैसा लग रहा है, तो आज भी आपने खुद मेकअप किया और आज आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। तो मेकअप काफी ज्यादा, काफी मतलब काफी लुक्स होती हैं, तो हर लुक आप खुद करते हो कि आपने उसके लिए कोई मेकअप आर्टिस्ट? हाँ, सारी खुद करती हूँ, लेकिन जब स्ट्रेच करती हूँ ना जिन दिनों में तो उन दिनों ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा थक जाती है ना दिन को रात, मतलब कि जो सॉन्ग करने होते हैं बहुत ज्यादा वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है ना, कि आपको पता है फंक्शंस में तो इनाम लेने के लिए हम रुक गए, थोड़ा सांस निकल जाता है, लेकिन जब हम स्टेज कर रहे होते हैं वहाँ पे एक सेकंड के लिए जैसे ही हमने स्टेज पर एंट्री देनी है ना, हमारे हाथ पांव जिस्म जितना भी है हमारा सारा वो सब काम करेगा, आँखें एक चीज है मतलब ना, हर बाल चीज़, हर चीज काम हर करेगी, एक चीज़ तो मोशन जब में होनी चाहिए। हाँ, जब सॉन्ग खत्म होगा तो आपको क्लैप मिलेगी। तो okay. उन दिनों में बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, तो फिर मेरे मुल्तान से हैं मेरे मेकअप आर्टिस्ट, तो वो फिर मेरे साथ होते हैं, वो करते हैं जस्ट स्टेज पर, जस्ट स्टेज पे। अदरवाइज आप जितना भी आप फंक्शन जो करते हो, अच्छा फंक्शन आप करते हो, फंक्शन फिर पर्सनल सवाल, फिर ये नहीं पूछना चाहिए, कहते हैं मत से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, वैसे तो औरत से भी नहीं पूछनी चाहिए, वो भी नहीं बताती, झूठ ही बताती है, क्योंकि बंदा खा ना ले, तो कितने कमा लेती हैं आप? मैं नहीं बताऊंगी। ये तो वो होगा, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, माशाल्लाह जितने भी कमा लेती है, अपनी मेहनत है आपकी। हाँ जी। अच्छा, आज तक का मैं कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस डांस परफॉर्मेंस में रह चुका हो, या किसी ने बदतमीजी कर दी हो? कभी कभी हम कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसी बातचीत कर जाते हैं जिससे अगले का दिल और खुद का दिल इस तरह खराब हो जाता है कि अगला बंदा कहता है कि मैंने इसके आगे कुछ करना ही नहीं। हाँ। तो ऐसा कोई वाकया या ऐसी कोई बात? इस बात को लेकर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत कहूँगी।
वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से जो है ना अल्लाह ने मुझे लोगों की तरफ से मुझे बहुत प्यार बहुत मिलता है। प्यार मिला। तो एक तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 500 की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर माशाल्लाह। जब मैं फंक्शन पर मैंने जाना होता तो एक इतनी सारी लिस्ट है वो तैयार होती है, उसके ऊपर सारी मेरी शरायत लिखी जाती हैं। परमिशन लेनी होगी, परमिशन जस्ट ये नहीं कि फंक्शन करवाना है, परमिशन ये कि महक आ रही है हमारे फंक्शन पर। महक आ रही है क्योंकि जी। ऐसे होता है कि जब हम मैं फंक्शन पर जाती हूँ वो कहते हैं हमने परमिशन ले ली है जी, तो वो कहते हैं पुलिस वाले कह देते हैं आपने फंक्शन की परमिशन ली है, महक की परमिशन नहीं ली। अच्छा, मुझे आप शराइत की बात कर रही थी कि हाँ, मेरी एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट बताएं जरा। उसमें ये होता है कि ड्रिंक नहीं होगी, मतलब ओके, कि बेस्ट बेस्ट। हाँ बहुत हाँ बड़ा सारा पिंडाल होगा, हाँ कोई भी ऐसा कोई आके जो है ना, मतलब कि कोई जैसे कि रोब जमाने की कोशिश करता है कि नहीं ये गाना करें, ये सॉन्ग करें, ये चीज़ें नहीं आपकी होंगी, मर्जी के सॉन्ग होंगे, हाँ जो मैं लगाऊंगी वही चलेंगे। परसेंटेज रखी हुई है कि जितना हम कमाएंगे उसमें से इतना तुम्हारा इतना हाँ वो हमारा। सब में डिवाइड होता है नहीं, उस, सब में बराबर होता है कि परसेंटेज रखी हुई नहीं है कि नहीं मेरे साथ वाले परसेंटेज को इतनी, परसेंटेज उसको मतलब इतनी। बंदे के हिसाब से, एक हेल्पर है, एक कैशियर है, और ऐसे फिर वो बंदों के हिसाब से। मैं अगर आपकी स्किन की बात की जाए, माशाल्लाह स्किन बड़ी एक चमक रही है, और मैंने आते ही बात की थी जब आप हाँ मुझसे मिली हैं, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो इस कामों में, गलत कामों में पड़ जाता हाँ है, अल्लाह पाक उसके चेहरे से एक नूर ख़त्म कर लेता है। तो जी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको नूर से नवाजा है, अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बातचीत अच्छी करने से नवाजा है। तो स्किन की क्या रूटीन है वैसे भी अलावा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन अच्छी है, विदाउट मैं ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता कैमरे के लिए मेकअप करना कैमरे पड़ता के है, लिए करना पड़ता है अदरवाइज मैं सिर्फ आपको, आपके पास आती। मेरा ये जहन था कि मैं वहाँ जाऊँगी वहीं तैयार हो वहीं जाऊँगी तैयार हो इजीली, जाऊँ। लेकिन वो फिर मैंने किसी वजह से ना लेट हो गई, तो इस कैमरे के लिए मेकअप करना पड़ता है, वो करना अदरवाइज पड़ता मेरे है, टिकटॉक जितने भी मैंने मैं सिर्फ देखी है, लिपस्टिक लाती हूँ लिपस्टिक होती है बस। कि गोल्ड। अगर देखा जाए माशाल्लाह आपने काफ़ी पहना हुआ और आप बड़े शौकीन लग रही हैं, हाँ तो कितनी कुछ शौकीन है। मुझे गोल्ड का बहुत शौक है। हाँ, वो देख के पता चल रहा है, देख के बिल्कुल नजर आ रहा है, माशाल्लाह काफी गोल्ड का शौक है। अच्छा, मुझे ये नथ के बारे में बताएं, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं पता, और जब मैं बचपना मेरा शुरू था, अभी तो चलो बुढ़ी होगी, पता नहीं क्या हो गया, लोग तो ये कहेंगे, तो तब मुझे नगों का बहुत शौक था, लेकिन अम्मी को मैंने कहा कि मुझे असल नग ना के दे, तो अम्मी कहती कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी इंसान मतलब एहतियात करनी पड़ती है इसकी, इसको ऐसे नहीं पहन लेते। तो ये कौन सा, इसका नाम क्या है, और ये क्यों पहना हुआ है, क्योंकि गले में भी है और हाथ में भी है आपके। हाँ, फील के लोग कहते हैं कि इसके नीचे जो है ना महक का कोई राज है, कोई तावीज़ इसके नीचे है। अच्छा अब ये आप देख सकते हैं इसके नीचे ये नग ही है, कोई तावीज़ नहीं, ठीक है। आपकी कैमरा भी अगर दिखा सके तो। तो ये ऐसे था, मैं बचपन में जब है ना टीवी देखती थी, मुहर्रम आता था तो उस पर नौहे लगते थे, तो वो लड़कियां जब ऐसे ऐसे नौहे पढ़ रही मातम होती थी मातम ना, करती उन्होंने होती ये थी। ब्लैक रिंग्स पहनी होती थी और गले में भी पहना होता था, और उनके वाइट वाइट जो है ना हैंड होते थे, इतने और खूबसूरत बड़े लगते थे, खूबसूरत लगते खूबसूरत हैं, लगते थे। क्योंकि मैं अभी भी देखती हूँ, हाँ हिजाब किया हो तो वो हाँ इतना हाँ एक माशाल्लाह अट्रैक्टिव वो हाँ लगता है। हाँ अच्छा, अट्रैक्टिव, तो मैं ना वो मुझे वहाँ से शौक हुआ। टिकटॉक पे आना का कैसे शौक, क्योंकि आप कह रही हैं बिजी रूटीन, हाँ सारी सारी रात फंक्शन करना, सुबह को सोना फिर रात में फंक्शन करना, फंक्शंस, और वो काफ़ी हेक्टिक रूटीन हाँ है, हाँ हाँ तो टिकटॉक पे कैसे आई, और फॉलोवर जितने ज़्यादा, और वीडियोस इतनी प्यारी प्यारी, कॉन्सेप्ट इतने प्यारे प्यारे, कहाँ से? मेकअप आर्टिस्ट थी मेकअप तो वो आर्टिस्ट। यूज़ कर रही थी, मैंने कहा ये क्या है, कह रही है एक ऐप्स है तुम्हें नहीं पता, मैंने कहा नहीं मुझे तो, कह रही है हाई ये टिकटॉक, उस टाइम वो था म्यूज़िक के लिए म्यूजिकली, वो ओके था, ओके। तो कह रही ये ना आप यूज़ करो तो आपको अच्छा लगे, तो मैंने कहा चले मुझे करके दे, उस टाइम डाउनलोड किया तो मैंने, हमने फ़ौरन से ना मैं और मन्नत, शायद आप मुझे जी देख जी मैंने मेरे साथ देखा हुआ, देखती जी 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 होंगी, जी मन्नत ही तो हम दोनों ने वीडियो बनाई, ए क्या बोलती, तो हम दोनों ने सेट किया ए कि मैं बोलूंगी, क्या हाँ ये बोलती आप तू बोलेगी, बोलोगी ये हम भी बोलेंगे अभी थोड़ी देर तो उसने ना हमने कहा चले ठीक है ये बना, हमने वो बनाई, हमने अपलोड की, मतलब उस टाइम तो ऐसे था ना कि जो हमारी ट्रांसजेंडर थी तो उन तक ये वीडियो गई ना, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो कहा कि हाय ये तुम लोगों ने वीडियो बनाई, कितनी अच्छी वीडियो बनाई, कितनी प्यारी, ये कैसे बनाई, किया क्या किया आप लोगों ने, कैसे ये डायलॉग आपने, 1 मिलियन जो है ना फॉलोअर्स हो गए देखिए ओके, मैंने क्या 2 महीनों में, बात है क्योंकि मेरे माशाल्लाह। YouTube पे माशाल्लाह और लोग मुझे हाँ बहुत प्यार हाँ देते हैं उस बहुत पर, प्यार तो करते हैं। 4 के 5 मिलियन उस पर जो है ना लाइक्स आ गए। स्टार्ट मैंने किया था, और अगर मेरी वीडियो पे 5,000 लाइक भी आ जाते थे ना, तो हाँ मैं कह रही थी ब्लेस्ड, हाँ हाँ मतलब। पर आपने देखे कि हाँ हाँ मैं ये भी पूछूंगी कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता उसकी ख्वाहिशात बढ़ती बढ़ती जाती जा हैं, रही है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ख्वाहिशात बढ़ी हैं या वहाँ पे ही रुक गई हैं?
नहीं, मैं ख्वाहिशें तो आपको पता है सबकी बढ़ती रहती हाँ हैं, यही मैं और बात ये कर रही ख्वाहिशें का जो पेट है ना, ये कब्र की मिट्टी ही भरेगी। हूँ बेशक। ऐसे नहीं ये कंप्लीट होती, और से और से और से आगे इंसान सोचता रहता है। तो उस टाइम मैं सोच रही, मैंने कहा हाय अल्लाह, मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स, लाइक, सब कुछ अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान में मैंने देखा था किसी का इतना है, मेरे बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो माशाल्लाह बहुत सारे नई नई लड़कियाँ आ गए, ग्रुप्स आ गए, और मैं अभी तक भी अकेली अकेली ही अकेले बनाती हूँ। अकेले अकेले हाँ, आएंगे, अकेले अकेले जाएंगे, से आएंगे। गल खत्म। तो मैं देखती थी इंडिया वालों का ना, उनके बहुत, मैं हाय ना, इनके इतने इतने ज़्यादा लाइक्स कैसे आते हैं। तो पाकिस्तान में तो किसी की इतनी नहीं थी। फिर हाँ मैं कहती थी इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, हमारा हाँ पाकिस्तान इतना अभी छोटा हम सा मैं है। भी जब स्टार्ट में आई तो हाँ मैंने भी कहा यार इतने फॉलोवर्स, फिर हाँ मैंने कहा वो इंडिया बड़ा वड्डा है, पाकिस्तान छोटा है, नहीं बड़े ने, दिल मतलब उसमें को तसल्ली तसल्ली दे दिया। देने के लिए अच्छा ना। मैं आपका तो पहले भी निकलना मुश्किल होगा क्योंकि हाँ काफ़ी लोग जानते थे, लेकिन हाँ टिकटॉक पर आने पे, उसके बाद टिकटॉक क्वीन बनने के बाद कितना मुश्किल हो गया, जहाँ पे आपको 5-6 बंदे रखने होंगे साथ, वहाँ पे आप कितने लोग रखती हैं एट अ टाइम साथ, 15-20 होते हैं। एट अ टाइम, हर हाँ टाइम, हाँ और क्या मतलब और लोगों का क्या रिस्पॉन्स आज भी होता मैं है? चोरी निकली हूँ, क्योंकि आज मेरा, क्योंकि कैंसिल हो गया था सब कुछ, तो लेकिन आपके साथ मैंने बात की थी तो मैं चोरी निकली। फिर मैंने कहा हाय अल्लाह, मैं लिटरली चोरी चोरी असल जा तो में रही, यह हादसा हो गया, अब तो सबको पता चल ना ना, जाएगा, अल्लाह माफ़ लेकिन करे, अल्लाह माफ़ अल्हम्दुलिल्लाह करे, अल्लाह ने बचा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह लिया। पाक ने बड़े हादसे से हाँ बचा लिया। हाँ अच्छा मैं काफ़ी बातें कर ली हमने, हमने पढ़ाई की बातें की कि आपने हाँ क्लास का बता दिया, जी तो जी कितना पढ़ी हैं आप? मैंने 9th से छोड़ दिया था। 9th से छोड़ दिया, हाँ लेकिन आपके माशाल्लाह उठने बैठने और बात करने से पता नहीं चलता कि आप इतना पढ़ी नहीं हुई, क्योंकि हाँ यहाँ पे फिर मैं कहती हूँ कि काफ़ी इतने ऐसे पढ़े लोग हैं जो शायद कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कि किसको बिठाया हुआ है, हूँ शी या हाँ शी कहें कि क्या कहें, ही हाँ कहें, देखें, सॉरी टू से, ये जो लेकिन मैं लोगों कमेंट कर की रहा होता है ना, मैं तो पहले पहले अग्रेसिव हो जाती थी, अब नहीं होती, अब नहीं मैं खुद होती। अब नहीं होती, अब नहीं होती, मैं अब नहीं कसम से अब होती नहीं होती, क्योंकि क्योंकि मेरे मेरे ख्याल से मैंने, ये अचीवमेंट है। हाँ हाँ जब मुझे लगता है कि जब आप हर चीज़ पे रद्द अमल देना शुरू कर हाँ देते हैं तो वो हाँ आपकी आपको नाकामी की तरफ ले जाता ले है, जाता और है। ये कामयाबी है कि जब आप किसी का हाँ सुन के करते हो ओके प्यार, बहुत बड़ा फैक्टर है था। अच्छा वैसे ये पूछना शायद बुरा लगे, कितनी बार प्यार हुआ? कहते हैं ना इंसान को हर बार प्यार होता है, वो कहता है मैंने दूजी बारी प्यार हो या सजना तेरे नाल, तो क्या सीन है, कितनी बार प्यार हुआ है? 3 दफा हुआ है। ओके 3 दफा प्यार हुआ है। अच्छा 3 दफा प्यार हुआ लाइक है। एक तो वो प्यार था कि मैं इजहार ही नहीं कर सकी, अच्छा वो प्यार मेरे अंदर ही रह वो गया अंदर ही रह स्कूल गया लाइफ में ना, स्कूल लाइफ में, आपको पता ये है। स्कूल लाइफ में हर किसी को होता है, वैसे मुझे नहीं हाँ हुआ था, मुझे तो स्कूल लाइफ में गुस्सा आता था टीचर्स को देख के, पता नहीं क्यों, मैं जाती नहीं थी। हाँ अच्छा हाँ दूसरा प्यार, तो फिर दूसरा प्यार हुआ, तो दूसरा प्यार किस उम्र में हुआ? वो बता दूँ? ये फील्ड में ही हुआ। अच्छा हाँ फील्ड में आकर ही हुआ, लेकिन उस पर जो है ना, तब तक मैं तबलीग में आ चुकी थी, तबलीग में, अच्छा आ चुकी थी। तो मैं दुआगो हूँ अपनी उस फ्रेंड के लिए। तो अभी मतलब कि अरूज पर वो नहीं निज़ाम गया था ना, अभी बस फ़ोन पे हेलो हाय ये वो, मिलना मिलाना भी नहीं था, अच्छा क्योंकि ओके वो माशाल्लाह अच्छी फैमिली से थे और काफ़ी उनका भी इलाके में आगे पीछे नाम था। तो बस चोरी चोरी फ़ोन पे बातें होती थी। तो फिर मेरी फ्रेंड थी, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अभी देख रही है तो लव यू, उसे मुझे ऐसे बाजू, रियल में बाजू पकड़ के ऐसे ना कहा, क्या हो गया तुम्हें, अपना मुकाम देखो, और ये आप तबलीगी हो। जब उसने ये बात कही क्या ना, बात है, क्या बात तो है, मैंने कहा हाँ यार ये तो गलत बात है इसमें। अब मैं तबलीगी, पहले मैं अगर तबलीग में ना होती, लोगों को अल्लाह का और अल्लाह की बात ना बता रही होती, तो फिर कोई बात नहीं थी, फिर कोई हर बात इंसान नहीं की थी, अपनी लाइफ होती है। अपनी लाइफ होती फिर थी। मैंने सोचा कि नहीं यार, वहाँ के अभी लोग ये कहेंगे अच्छा ये तबलीग भी करते हैं और ये भी है, मतलब कि सबको तो नहीं पता, सबको लेकिन नहीं जो पता देख रहे पर हैं, जो जो देख रहे देख हैं। रहे हैं। तो फिर मैंने वहीं से मैंने वाइंड अप कर दिया, मैंने फ़ौरन से नंबर ब्लॉक लिस्ट, मैंने मैसेज किया, मैंने कहा सॉरी आज के बाद हम बात नहीं कर सकते, मैंने ब्लॉक किया नंबर। कितनी तकलीफ हुई, क्योंकि मेरे ख्याल से अल्लाह पाक से हम मोहब्बत करते हैं, अपने माँ हाँ बाप से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, और शायद उस बंदे से भी बहुत मोहब्बत करते हैं जिससे कल को हमारी ख्वाहिश होती है कि हम हाँ इससे हाँ शादी करें, हाँ हाँ पर अल्लाह पाक को तो हम छोड़ नहीं सकते, हाँ छोड़ नहीं माँ बाप को सकते, भी छोड़ नहीं छोड़ सकते, नहीं सकते, लेकिन जिससे मोहब्बत करते हैं उसको भी छोड़ना मुश्किल मुश्किल है, तो है। कितनी तकलीफ हुई।
इतना नहीं हुआ था, मैं वो 5 लफ्ज़ है सबको बताऊंगी, अभी बता दूं बता दे। है ना। तो उससे ये होगा कि इंसान के 3 फ़ायदे अभी मुझे जहन में है कि एक, अचानक मौत नहीं आएगी, दुनिया की मोहब्बत में दीवाना मजनू पागल नहीं होगे, और कोई कत्ल नहीं करेगा। ये 3 तो मुझे याद है, 2 मुझे भूल गए। और 5 लफ्ज़ अच्छा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़ीमुल बुरहान, शदीदुस सुभानअल्लाह सुल्तान, सुभानअल्लाह माशाअल्लाहु कान, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। जो ये 5 लफ्ज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है, तो जो 5 5 लफ्ज़ ये सुबह फजर के बाद और शाम मगरिब के बाद पढ़ेगा ना, तो उसके दिल को सुकून और इत्मीनान आ जाएगा बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुन के सुकून है। हाँ अच्छा ये तो आपने, आप तबलीग में आ गए और हाँ आपने हाँ उस मोहब्बत को उसी वक्त वाइंड अप कर दिया। हाँ तीसरी मोहब्बत कब हुई? तीसरी मोहब्बत अल्लाह से। तीसरी मोहब्बत अल्लाह पाक से। हाँ अल्लाह से, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह की अब समझ आ गई है तो अल्लाह से। तो अल्लाह से, तो हाँ अल्लाह के अब बंदों अल्लाह से से नहीं। बातें करती हूँ अकेले में, तन्हाई में। ये बातें बैठ के बताने की नहीं होती, लेकिन जब दूसरों का मैंने बताया है तो मुझे ये भी एक्सप्लेन जो है ना करना चाहिए। अच्छा मैं कल को अगर कोई आपके पास आए और हाँ आपको बड़ा अपने घर की इज्जत बनाना हाँ चाहे या आपको हर चीज़ आपको एक्सेप्ट करे, निकाह करे, तो तब आपका क्या ये तो रिस्पॉन्स आते होगा? रहते हैं। ये तो आते रहते हैं। हाँ बहुत तो सारे ही आपने आते क्या हैं, सोचा आगे अपनी ज़िंदगी लेकिन का? मैं जवाब दे देती हूँ, ना कर देती हूँ। आगे काफ़ी लंबी ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी आपको पता है कि साथ नहीं चलेगा, तो तब क्या अकेले ज़िंदगी गुजारने का सोचा है? हाँ नहीं, फैमिली है ना, फैमिली तो है भाइयों के बच्चे हैं, जो उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। माशाल्लाह मैं जो बेटियाँ, ख़ास तौर बेटियों पे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबकी बेटी हाँ को अपने हिफ्ज़ हाँ ईमान में रखे, बेटों को भी हिफ्ज़ ईमान में हाँ रखे। आमीन। इंटरव्यू करने का बेसिकली महक हाँ मेरा मकसद यही था कि मैं लोगों को बता सकूं, लोगों को ये बता सकूं कि हर बंदा इंसान है, चाहे हाँ वो हाँ मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे जेंडर की वो कोई हद नहीं है यहाँ। जेंडर की कोई हद नहीं है। अल्लाह हाँ पाक ने जिसको भी नवाजा, क्या पता कि आप इतने, अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हाँ हो, आप कुरान पढ़ रहे हो, आप तस्बीह कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं ऐसा करे, फिर भी अल्लाह पाक को आपकी क्या ऐसे ही है। चीज़ पसंद ना आए, हाँ अल्लाह पाक आपको ऐसे ही उसकी है। सजा दे दे। तो और हर बंदे की इज्जत करो हाँ, मेरे रात के क्या। मैं वीडियो देख रही थी और मेरे ना हेडेक हो गया मुझे ना, तो इसने मुझे टैबलेट दी और मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी होगी। मैं वीडियो देख रही हूँ और मैयत को साइड पे कब्र पे रखा हुआ है, लेकिन कुछ लोग उसको ना दफनाने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जी आप ऐसे करें, हमें पहले पैसे दें, और जो इसने हमें पैसे देने थे, कर्ज देना था, वो यहाँ पे हमें वो बंदा बताए, तो उसके बाद हम दफनाने देंगे, ये सब बंदों के सामने वो कहे। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी और मैं कह रही थी कि क्या है ये लोग, और मैं इतनी मैं परेशान होगी। मैं हमारी फील्ड में, हमारे जो मैं काफ़ी सारी बातें अपने उस पर बताई हैं, तो मैं आज ये भी बता दूं कि हमारे ख्वाजा सराओं, एक तो किसी को जो है ना कर्ज़ देना हो ना, उसके गुरु दे देते। अगर एक मिसाल है, मैं क्या मर बात है, जाऊँ, मेरा गुरु मेरा कर्ज़ दे देगा। क्या बात है, मेरा गुरु नहीं होगा ना, तो जो मेरे आगे स्टूडेंट है वो दे देंगे, क्या या बात फिर है, मेरे जो जिस गुरु की मैं चेला हूँ और उनके जो चेले दूसरे हैं वो दे देंगे। मतलब कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका कर्ज नहीं देंगे, या फिर दूसरे जो ट्रांसजेंडर है वो आके कहें नहीं जी बाद में दफनाना, पहले हमारा कर्ज दे दे। क्या तो बात ये है। लोगों का इतना सख्त रवैया और इतना इतना ज़ालिमाना सख्त आदत। रवैया, और मुझे लगता है कि आजकल मरना भी गरीब लोगों के लिए हाँ मुश्किल है, क्योंकि जगह, मैंने मैंने वीडियो एक की और मैं फर्स्ट टाइम कब्रिस्तान गई। हाँ कब्रिस्तान मतलब कम जाती हूँ, क्योंकि हाँ कहते हैं कि कब्रिस्तान औरतों का जाना मना है, तो मैं एक दफ़ा गई वीडियो के सिलसिले में, एक दफ़ा नहीं वैसे वो गई तो 10वीं दफ़ा, लेकिन एक दफ़ा कहते हैं ना पूरे एक्सपीरियंस से हाँ गई। तो वहाँ पे इतनी इतनी महंगी जगह लोगों ने खरीदी हुई है, लोगों ने हाँ किनाल किनाल मरला मरला जगह खरीदी हुई है, खरीदी और हुई मैं ये देख रही थी कि यार मतलब मरना भी इतना मुश्किल मरना है, भी इतना कि मुश्किल खुदा है। ना खास्ता मैं कल को मर जाऊं और मेरे आगे पीछे कोई ना हो और मेरे पास ऐसे कुछ ही है। हो भी ना, तो मतलब मुझे तो फिर सड़क पे कोई पड़ी पड़ी मैं तो, मेरी सब कुछ हाँ। मुझे पहले तो दफना दिया पहले जाएगा। या तो ऐसा कर देते कि माफ़ कर देते। अभी हमारे एक उधर सरगोधा में ही ना एक बंदा था, उसके पास काफ़ी सारे जो ख्वाजा सराय ना वो पैसे रखवाए करते, तो बहुत अच्छा इंसान था। किसी का 5 लाख था, किसी का 4 लाख था, किसी का 7 लाख था, ऐसे ना। तो उसकी डेथ हो गई अचानक से ही, जो है ना उसको हार्ट अटैक आया, दिल का और दौरा पड़ने से उसकी मौत वाकई हो मौत हो गई। गई। तो जितने थे ना, उन सब ने जो है ना उनके घर वालों को कहा कि हाँ अगर आप जितने दे सकते ठीक है, नहीं तो हम माफ़ कर देते। क्या बात है, तो वो क्या सब बात ने है, जो है, किसी ने 3 लाख माफ़ किया, किसी ने 4 लाख माफ़ किया, किसी ने 2 लाख माफ़ किया। अगर मर्द और औरत इतने जालिम हो सकते ना, तो हम ऐसे तो ठीक है। हम ऐसे ही ठीक है।
उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा जो एक महक के साथ एक मोहब्बत भरा हाँ। और मैं चाह रही थी कि मैं भी इसको देख सकूँ कि ये क्या है, ये मुझे जान सके, मैं इसे हाँ। जान सकूँ, आप जान सकें कि हर बंदा किसी को हकीर मत समझे हाँ। अल्लाह पाक की बनाई हुई हम चीज़ है, अल्लाह पाक की हम मखलूक है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो ख्वाजा सरा है हाँ। इज्जत करना सीखें, अगर आप इज्जत करेंगे तो आपकी दुनिया में भी इज्जत होगी और आखिरत में भी इज्जत होगी। मजीद इस तरह के इंटरव्यूज देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, उर्दू पॉइंट के साथ जुड़े रहें। अपनी मेज़बान मुझे कवल आफ्ताब और साथ ही साथ महक मलिक को, दोनों को इजाज़त दे, दोनों को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआ दें। खुदा हाफिज़।